नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं भरत गोराना। दोस्तों आज बात करेंगे हम CET के बारे में। देखो CET क्या है इसके बारे में थोड़ा परिचय ले लेते हैं अपन, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे मित्र हैं अभी तक तो उनको पूर्ण पता नहीं चल रहा है CET क्या है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि CET एक कॉमन एग्ज़ाम है। क्या है ये? कॉमन एग्ज़ाम मतलब एक पात्रता परीक्षा कह सकते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, एक समान पात्रता परीक्षा है। अर्थात सरकार ने अब क्या किया है, सरकार ने ये किया है कि 5-6 जैसे वैकेंसी आ गई और उन वैकेंसी में अभ्यर्थियों को रोकने के लिए ये बनाया, किस लिए प्लान है, ये अभ्यर्थियों को रोकने के लिए प्लान बनाया है। किसके लिए प्लान बनाया है? अभ्यर्थियों को रोकने के लिए। मतलब ज़्यादा भीड़ हो रही है, उस भीड़ की चटनी कैसे करें, उस भीड़ को कम कैसे करें, इसलिए इन्होंने ये CET शुरू किया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, समान पात्रता परीक्षा। देखो दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा दो स्तर पे आयोजित होगी। एक तो होगी सीनियर सेकेंडरी यानी 12th लेवल पे, और एक होगी 12th लेवल पे और एक होगी ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। ग्रेजुएशन में BSc, BA और BCom तीनों यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो कॉमन जो CET है वो कौन करवा रहा है? तो दोस्तों ये करवा रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। और जितने भी आपके अनुभवी साथी हैं उनसे ज़रूर पूछना कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ये पेपर जो बनाता है जरा टफ बनाता है, ध्यान रखना इस बात का, जैसे अधिकांश बोर्ड, ठीक है। ये 12th बेस के ऊपर है CET, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो CET पास करोगे तब आप आगे एग्जाम दे पाओगे, आई बात समझ में? अगर आपके पास में CET क्लियर नहीं है तो आप पास नहीं दे पाओगे, पास अगला वाला आप एग्जाम दे नहीं सकते। जैसे रीट में हुआ, तो रीट में क्या हुआ दोस्तों कि अभी रीट प्री करवाई थी, तो इसमें जो पास हुए अब थर्ड ग्रेड का जो मेन एग्जाम होगा उसमें बैठ जाएंगे। 11 लाख जैसे थे सेकेंड लेवल के, उसमें से 5-6 लाख फेल हो गए, 5 लाख पीछे हो गए। अब इनके अंदर से वापस से एग्ज़ाम होगा और जो पास होंगे उनको नियुक्ति देंगे। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। तो अब 12th बेस के आधार पर जैसे आप 12वीं पास हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आपके लिए आएगी, उसमें आप योग्य बनने के लिए, आप उसमें पास होने के लिए उससे पूर्व एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका नाम है CET। बिल्कुल एकदम साफ साफ बता रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत एक तो आ रहा है वनपाल, आपके वनपाल की भर्ती के लिए, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, वनपाल की भर्ती के लिए 12th बेस पे आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, पर वनपाल से पूर्व आपको CET पास करनी जरूरी है। अगर आपके पास में CET क्लियर नहीं है तो आप वनपाल के एग्जाम में नहीं बैठ सकते, और अगर आपके पास में CET क्लियर है तो आप वनपाल का पेपर दे सकते हैं। दूसरा है छात्रावास अधीक्षक, छात्रधन आवास दीर्घ संधि हो जाएगी, छात्रावास अधीक्षक अधिधन इक्षक। इस परीक्षा को पास करने के लिए भी 12वीं वाले जितने भी मेरे मित्र हैं उनको CET पास करनी पड़ेगी। फिर है लिपिक ग्रेड द्वितीय, बाबूजी लिपिक ग्रेड सेकंड, ठीक है। एक वैकेंसी है आपके लिए कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा वरिष्ठ, ऐसा ही में आया हुआ ये प्रश्न, कनिष्ठ सहायक एक हो जाएगा लिपिक ग्रेड द्वितीय। विस्तृत जानकारी दूंगा दोस्तों, इसको मिस मत करना वीडियो को, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, ठीक है, और शेयर अपने मित्रों को जरूर करें ताकि उनको जानकारी मिल सके। एक है जमादार ग्रेड द्वितीय, जमादार ग्रेड सेकेंड, ओके। और अंत में है, वैसे कांस्टेबल को तो अपन आगे ही ले लेते हैं फर्स्ट नंबर पे, एक है कांस्टेबल, वैसे कांस्टेबल नहीं होता, कांसी टीबल होगा करता है, शुद्ध शब्द क्या होगा, कांस्टेबल, कांस्टेबल। अब मेरी बात सुनिए कि इन भर्ती में भाग लेने के लिए 12th बेस की जो CET आयोजित हो रही है उस CET को पास करना जरूर
ज़रूरी हो जाएगा। यानी वन पाल वाले को भी सीईटी क्लियर करना है, कांस्टेबल वाले को भी सीईटी क्लियर करना है, लिपिक वाले को भी सीईटी क्लियर करना है। अगर आप सीईटी पास नहीं कर पाएंगे तो आप इन पेपर में, इन भर्ती में आप शामिल नहीं हो सकते। ये एक समान पात्रता परीक्षा है, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा का है, कांस्टेबल वाला। वनपाल वाला जो पेपर है दोस्तों, ये राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा का है। छात्रावास अधीक्षक का है, ये राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा का है। लिपिक ग्रेड द्वितीय का है, राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा का पेपर है। कनिष्ठ सहायक का राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा का है। लिपिक ग्रेड द्वितीय का जो है, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC कार्यालय लिपिक, यानी एक लिपिक ग्रेड आप द्वितीय लग गए, यहाँ पर अगर आप बाबू लगते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग है राजस्थान सचिवालय में होगी, जो जयपुर में है। पर यहाँ पर इस वाले आप लिपिक द्वितीय में लगते हैं तो आपकी पोस्टिंग है वो RPSC अजमेर में होगी, बाबू के पोस्ट पर। आई बात समझ में? फिर है राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा जमादार ग्रेड द्वितीय, और ये राजस्थान पुलिस करवाएगी। तो इनमें आप योग्य हैं, 12th पास वाला बंदा इसमें योग्य है। पर मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, इसके लिए आपको CET देनी पड़ेगी, ये ध्यान देना। अगर आप CET में पास नहीं हो रहे हैं तो आप इनके अंतर्गत फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों CET के लिए अभी से जुट जाइए, और अभी कॉमन पेपर जो होगा उसके लिए अच्छे नंबर लाइए, ताकि आप ये वाली जो भर्तियाँ आएगी उसमें आप बैठ पाओगे। अगर इसमें आप पास नहीं हुए तो ये पेपर आप दे ही नहीं पाओगे। सरकार ये चाहती है कि लाखों लाखों जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या को कम करने के लिए इससे पूर्व एक पेपर करवाया जाए, इसलिए ये CET आयोजित हो रहा है। दोस्तों, और भी किसी प्रकार का कोई शंका या समाधान हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज ड्रॉप करना। वीडियो किस प्रकार से लगा ये भी राय जरूर देना, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को आगे शेयर जरूर करना, ताकि और भी दोस्त हैं उनको जानकारी साझा हो सके। तब तक के लिए मैं भरत कोरोना लेता हूँ विदा। शुक्रिया। शब खैर।